और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 अक्टूबर को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद, सागर पैरा ओलंपिक पदक विजेता जूडो खिलाड़ी कपिल परमार और शूटिंग खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस को राज्य सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इसके अलावा ओलंपिक प्रतिभागी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरालंपिक प्रतिभागी प्राची यादव और पूजा ओझा को 10-10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का मान सम्मान और युवाओं के लिए प्रेरणा होते हैं। वे अपनी कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम से पदक जीत कर दुनिया में देश को गौरवान्वित करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को पुरस्कृत कर देश और प्रदेश के अन्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही सीएम ने पुरस्कार और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसीलिए हमारे ओलंपिक में कितना अन्नदाता है और अब तो खिलाड़ी भी गजब कर रहे हैं। क्या गजब, अपनी हॉकी का गौरव वापस लौटा है। नहीं तो हम ध्यानचंद जी को याद करते थे, बीच के कालक्रम में सूखा पड़ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने हॉकी में, अगर भारत ने पदक लाए तो मध्य प्रदेश ने भी योगदान दिया। हमारा अपना खिलाड़ी विवेक सागर चट्टान की तरह डट के लड़के और पुरुषार्थ और पराक्रम से पुरस्कार लेकर के आते, तो मध्यप्रदेश का सीना भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ 56 इंच का होता, हमें इस बात का आनंद है। और अकेले वो नहीं, ऐश्वर्य प्रताप जोरदार अभिनंदन करो, इनने भी अपनी भूमिका अदा करी। और ऐश्वर्य चिंता मत करो, विवेक सागर भी नौकरी में रहेगा, ऐश्वर्य प्रताप भी नौकरी देंगे उसको, किसी हालत में हमसे दूर नहीं जाने देंगे। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है। अब हमारी अगली प्रतिभा तो आप ही हो, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सोना लेके आएंगे आपके माध्यम से। इस उम्मीद के साथ आपके प्रति शुभकामना देते, बधाई देते हैं।